अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम तवा रेसिपी बनाएंगे। मार्केट से ज्यादा टेस्टी बनने में जल्दी और वो भी घर के मसालों से। ये चिकन तवा भुना रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस भुना मसाला से आप भुना रोल्स और पराठा रोल्स और बहुत कुछ बना सकते हैं। हाफ किलोग्राम बोनलेस चिकन के लिए ह्यूमेन ली है 3 बड़ी प्याज। प्याज को हमने हाफ कप ऑयल में शामिल किया। इस रेसिपी में प्याज को बस सॉफ्ट करना है, ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। हाफ टेबल स्पून नमक मिलाया ताकि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो। प्याज सॉफ्ट हो गई है। आप शामिल करें 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 से 3 मिनट्स अच्छी तरह भून लेता के गच्छा फ्लेवर निकल जाए। टू टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सब मसाले अच्छी तरह भून ले और 2 बड़े टमेटो शामिल करे। अगर ज्यादा स्पाइसी खाना हो तो 2 हरी मिर्च मिलाए, वरना स्किप कर दे। टमेटो सॉफ्ट होने दे। आप चिकन शामिल करें। चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। आप चाहे तो और भी छोटे टुकड़े करें। आप थोड़ा सा ऑरेंज रेड और टमेटो रेड फूड कलर ऐड करें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस ब्राइट कलर के लिए ऐड किया जाता है। थोड़ी देर कवर करके कुक करें। ये स्ट्रीट रेसिपी है। मार्केट में ये बड़े से तवे पे बनाया जाता है। आपके पास भी बड़ा तवा हो तो उस पर बनाएं। इसको मीडियम हाई फ्लेम पर भूनते हुए बनाना होता है। चिकन को चेक करें। अगर सॉफ्ट हो गई हो तो हरा धनिया ऐड करें। पानी ड्राई हो गया है, भुना मसाला रेडी है। जैसी कंसिस्टेंसी पसंद हो वैसा रखे। इसे और भी मजेदार बनाना हो तो कोयले का स्मोक दे। बच्चों के टिफिन में देना हो तो इस तरह ड्राई करे, फिर रोटी या पराठा में रैप करे या लॉन्ग बंस में फिल करके घी या बटर से सेक कर क्रिस्पी करे। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करे। शुक्रिया। जजाकल्लाहु खैर।